आप अपना अनम्यूट कीजिए। यस व्यास पूजा ऑफरिंग प्रभु जी, मैंने जो लिखा है वही बोल रही हूँ। हाँ आप पढ़ सकते हो, थोड़ा जोर से, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति निमानि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री परम पूज्य आदरणीय लोकनाथ स्वामी महाराज, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत। थोड़ा नजदीक आ जाइए माता जी, थोड़ा नजदीक आके पढ़िए। हम पतित जीवों को व्यास पूजा से पावन दिवस कोई हो ही नहीं सकता है। हमें हर जन्म में हर योनि में माता पिता मिलते हैं, परंतु बहुत ही सौभाग्य से संभवित वीर लोगों को प्रमाणिक परम आचार्य गुरु मिलते हैं, जो हमें जीवन मृत्यु से सदा ही मुक्त कराते हैं। हमें आप जैसे में विशिष्ट दिवस है श्री गुरु पूजा व्यास पूजा का, जो गुरु महाराज की व्यास पूजा से महान दिवस कोई हो ही नहीं सकता। परम पूज्य श्री गुरु महाराज हमें संसार के बंधन से मुक्त कराते हैं, श्री कृष्ण धाम में नित्य आश्रय दिलाने के लिए गुरु मिले, गुरु की कृपा और आध्यात्मिक महिमा के ध्यान करा सके, जो हमें आपकी असीम कृपा से कृष्ण भक्ति कृष्ण मुक्ति के स्तर पर रखे है। गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण आश्रय प्राप्त करा सके है, खूब खूब धन्यवाद है गुरु महाराज। संसार के कष्टों से निकालकर एक परिवार को दिव्य आनंदमय कृष्ण भक्ति के स्तर पर रखा है, श्री कृष्ण परिवार के सदस्य बनाए हैं। किसी तरह अज्ञान के घोर अंधकार से अंधकार में डूबे रहे थे, अपने हमें कृष्ण प्रेम के प्रज्वलित वैविध्यमान सूर्य प्रकट किया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी है। किसी तरह अज्ञान के घोर अंधकार में डूबे रहे थे, कृष्ण प्रेम को प्रज्वलित वैविध्यमान सूर्य प्रकट किया है, हम आपके आभारी है, खूब खूब आभारी है। आपके कीर्तन कीर्तन सम्राट है, कीर्तन मूर्तिमान स्वरूप है। आप में प्रारंभ में करके श्रील भक्ति वेदांत कृष्ण मूर्ति श्री प्रभुपाद के आदेश दिया था, आपने उत्कृष्ट भाव से पूरे विश्व में ये किया है। हम आपको आपके अनुयायी है। हम पंडरीनाथ और प्रभुपाद से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लंबी आयु और स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि हमें दिव्य संघ के प्राप्त हो सके, आपके आदेशों का हम पालन कर सके, ऐसी हमें शक्ति दे। हमें बड़े सौभाग्यशाली है कि आपका संघ हर रोज प्राप्त हो रहा है। हम आपके जपाटोप और जपा नियमित रूप से ज्वाइंट हो रहे हैं। गुरु महाराज आपकी महिमा अपरंपार है, यदि आपका संग नहीं होता तो ये हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं आ सकते। आगे बढ़ने के लिए आप हमारे प्रेत श्रोत्र दाता है, आपको नतमस्तक प्रणाम है। आपके माध्यम से ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आप हमें साधक के परमात्मा के आकाश के माध्यम से देख सकते हैं। परम पूज्य श्री गुरु महाराज आपकी मधुर वाणी द्वारा हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण के हर एक जीव के साथ यूनिक संबंध है, हर शिष्य के साथ गुरु महाराज का प्रामाणिक संबंध है। परम पूज्य गुरु महाराज आपकी सेवा में इस मूवमेंट में के सेवा में भक्तों के सेवा सुदृढ़ और प्रबल होना चाहते हैं। मैं अधिक से अधिक लोगों को मंदिर में जुड़ाना चाहती हूँ, पुस्तक वितरण करना चाहती हूँ, समय समय पर सेवा करना चाहती हूँ, इसके लिए आपकी कृपा बनी रहे। आप मुझसे आध्यात्मिक शक्ति का मार्गदर्शन प्रदान करते रहे, मैं इस तरह जुड़ी रहूं और संलग्न रहूं। आप हमें आशीर्वचन और कृपा बनाए रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप मुरली प्रभु आप हमारे शिक्षा गुरु है, पर आपसे ही हम लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ जुड़ सके और ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। खूब खूब आभार, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, सेवा करते रहो। आप मांग रहे हो कृपा, तो मांग रहे हो हाँ। सेवा करते रहना चाहिए, पदयात्रा में जुड़ते रहना चाहिए, ग्रंथ वितरण करना चाहिए प्रभुपाद के। हाँ प्रभु जी कर रहे हैं। ओके, रेगुलर रहो, ठीक है। हरे कृष्णा।
थैंक यू हरि बोल. यस दीनवत्सल प्रभु अनम्यूट. थोड़ा जोर से और. चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. सबसे पहले हमारे शिक्षा गुरु श्री इसक्रेश मुरली मोहन दास प्रभु जी और माता जी के चरणों में सादर प्रणाम धन्यवाद प्रणाम. गुरु महाराज के विषय में बोलने के लिए कोई योग्यता तो नहीं है, फिर भी आज प्रभु जी ने एक अवसर दिया है महाराज के व्यास पूजा के उपलक्ष में, तो थोड़ा सा बोलना चाहूंगा. पहले तो जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज. जैसे कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि असंख्य जीव ऐसे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे जीव होते हैं जिसके ऊपर गुरु की कृपा पड़ती है, तभी उसको उसको भक्ति का भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है. और मेरे जैसे पतित जीव ऐसे ही घूमते रहते थे, लेकिन मेरे ऊपर महाराज की कृपा मुरली मोहन प्रभु के द्वारा पड़ी है और मैं ऐसे भक्ति में आने की कोशिश किया और ऐसे अभी आ गया हूँ भक्ति में. और दूसरा एक अभी रिसेंटली मुझे एक अनुभव हुआ है गुरु महाराज के विषय में. जैसे अभी दीक्षा हुआ है मेरा, तो जैसे ही लोग पूछते हैं कि आपका दीक्षा हुआ कहाँ हुआ और आपके गुरु महाराज कौन है, तो जैसे बताते हैं कि पंढरपुर में दीक्षा हुआ और गुरु महाराज है परम पूजनीय श्री लोकनाथ स्वामी महाराज, तो लोगों का जो भाव होता है जब महाराज का नाम सुनते हैं कि आपके गुरु महाराज परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज है, तो उनके चेहरे पे जो भाव आते हैं वो देख के ऐसा अनुभव होता है, जैसे प्राउड फील होता है कि हम महाराज के शिष्य है. तो अभी महाराज के चरणों में हम यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज ऐसी कृपा बनाए रखे और भक्ति में आगे बढ़ते रहे. जैसे महाराज खुद श्रील प्रभुपाद के आदेशों का पालन करते हुए आज अभी तक और जैसे ही आगे प्रचार करते रहते, जैसे पदयात्रा है जो महाराज का हृदय है और संकीर्तन है जिसके लिए महाराज पूरे जगत में जाने जाते हैं, वैसे ही महाराज प्रभुपाद के आदेशों का पालन करते हैं, वैसे ही हम हमारे शिक्षा गुरु और महाराज के आदेशों का पालन करते रहे और प्रचार में आगे बढ़ते रहे. ऐसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कृपा का प्रार्थना करता रहूं. और जैसे ही अभी पंढरपुर गए थे और व्यास पूजा के अगले दिन जो कीर्तन चल रहा था, सुंदर चैतन्य महाराज कीर्तन कर रहे थे और उसी समय जब महाराज वो स्टेज पर नाच रहे थे सभी छोटे बच्चों के साथ और भक्तों के साथ, तो वो देखना मतलब एक अलौकिक अनुभव था कि जैसे महाराज इस आयु में भी ऐसा सुंदर नृत्य कर सकते और हम इतने यंग होके भी इतना कुछ नहीं कर सकते, और महाराज के जो एनर्जी लेवल है वो मतलब हम सिर्फ देख ही सकते हैं, और उसका अगर छोटा सा भी बूंद अगर हम में भी आ जाए तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में. और मैं सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सबकी कृपा बनी रहे तो हम थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ते रहे और महाराज से और मुरली प्रभु से और माता जी से भी, माता जी के चरणों में भी प्रार्थना है कि ऐसी कृपा बनाए रखे और हमें थोड़ा भक्ति में आगे ले दे जाए. हरे कृष्णा. बहुत बहुत सुंदर प्रभु, थैंक यू वेरी मच. यस, और भक्त लोग जो दीक्षित है कृपा कर अपना हाथ उठाइए, उन्हें महाराज के गुणगान गाना चाहिए.
मैं कई लंबे समय से मैसेज भी डाल रहा हूँ, कुछ भक्त लोग मैसेज करते हैं अभी कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, क्यों? ये स्पॉन्टेनियस तैयारी होनी चाहिए हमें गुरु महाराज के लिए। है और कोई? दीनानाथ प्रभु, यू वुड लाइक टू स्पीक? ओके, आई विल अनम्यूट यू, प्लीज। आपको हाथ, हैंड रेस करना चाहिए। और भी भक्त जो जो महाराज के गुणगान गाना चाहते हैं, कृपा कर कर वो हैंड रेस कीजिए। जी प्रभु जी, कल करेंगे, कल। कल? जी प्रभु जी, कल। क्यों, आज क्या हुआ? प्रभु जी, हुआ कुछ नहीं, कल सुबह करेंगे। तैयारी नहीं हुई? ऐसा नहीं, तैयारी नहीं हुई, करेक्ट। ओके, एनी डिवोटीज? देखो इस तरह से, कल फिर बहुत सारे लोग रहेंगे तो फिर शायद चांस नहीं मिलने के ये होगा, तो हमें गुणगान गाना चाहिए। मुकुंद गोपाल प्रभु, आप महाराज के विषय में कुछ बोलना चाहते हो, बोलोगे? यस, अपना अपना अनम्यूट कीजिए, स्पीकर ऑन करके बोलिए। भले हमें टूटे शब्द भी है तो भी, देखो मैं कई बार ये कहा हूं कि अगर हमारे शब्द टूटे हुए भी रहते हैं तो भी वो परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि भगवान के गुणगान, वैष्णव के गुणगान जो है ये परिपूर्णता है। उनके गुणगान गाना, क्योंकि मतलब भगवान पूर्ण है और भगवान के शुद्ध भक्त भी पूर्ण होते हैं, और जब उन शुद्ध भक्तों के गुणगान, भगवान के गुणगान भले टूटे शब्द से भी गाया जाए तो भी उसे परिपूर्ण में गिना जाता है। इसलिए हमें कभी ऐसा शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि अरे मैं कैसे गुणगान गया, मेरे को तो आता नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूर्णत्व के गुणगान गा रहे हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। इसका अर्थ है भागवतम इतना परिपूर्ण है भले वो किसी तरह से भी बोला जाए, टूटे शब्दों में भी बोला जाए, तो भी भगवान के गुणगान गाए जाते हैं, वो परिपूर्ण है, ऐसा श्रीमद् भागवत में है। तो यही सिद्धांत यहाँ पे भी लागू होता है। तो हमें जो गुरु के गुणगान भले टूटे शब्द में भी गा रहा है तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि देखो कैसे, इसको तो बोलना भी नहीं आता है, ऐसे हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो गुरु के गुणगान गा रहे हैं, अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा जो है 2 साल का 3 साल का तोतला बोलता है, लेकिन माता पिता को बहुत प्रेम लगता है कि मेरा बच्चा बोलना सीख गया, इस तरह से हमें रहना चाहिए। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फीलिंग शेम कि मैं गाऊं या नहीं गाऊं, मैं तो छोटा हूं, मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति तो ये आसक्त है, ये आसक्त भाव है, होना ही चाहिए। यस मुकुंद गोपाल प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु, आ रही है, बहुत जबरदस्त आ रही है। हाँ, गुरु महाराज को मेरा दंडवत प्रणाम, उनकी व्यास पूजा का। और प्रभु जी, मैं महाराज का दर्शन मेरे को 1905 में हुआ था, और मैं मुरली प्रभु जी के साथ में वृंदावन गया था, और मेरे को वहाँ मुरली प्रभु जी के साथ में गया था वृंदावन में, तो मेरे को रंगीली महल में रहने को मिला मेरे को, और वहाँ पर गोवर्धन पूजा चल रही थी, और महाराज जब हम पहले गोवर्धन परिक्रमा करा, उसके बाद में हमने महाराज के साथ में 11 बजे तक वहाँ पहुँच गए हम। तो स्टार्टिंग में हमने सीधे ही महाराज के दर्शन करे, और उनका जैसा कि स्टार्टिंग में जैसे कृष्ण कृष्ण रूप जैसा हमको दिखाया, और उन्होंने जो भजन कीर्तन किया उधर, हम उसमें भोर हो गए महाराज के मैं उसमें। तो प्रभु जी हमको वहाँ से फिर शाम को वृंदावन आए हम, तो वहाँ पर इतना अच्छा कीर्तन महाराज ने 2 घंटे चलाए, और वहाँ पर हमने भी महाराज के दर्शन करे,
और वहाँ पर उसके बाद में तो हम रेगुलर भारत के फिर गांव में भी गए, हम का गांव है अरावड़े, वहाँ हम 3 दिन रहे वहाँ, और उन्होंने राधा गोपाल का उन्होंने अभिषेक किया, और वहाँ पर देश विदेश के बहुत पब्लिक आई वहाँ, और महाराज ने उन राधा गोपाल का पूरे गांव के अंदर हाथी घोड़ा पालकी के साथ में उन्होंने पूरे गांव की परिक्रमा करी, और गांव वालों ने तो इतना स्वागत किया कि पटाखों के साथ के अंदर बहुत ही जोरदार वहाँ का प्रोग्राम मेरे को अच्छा लगा। मैं अरवड़े 2 दफे गया हूँ, और मेरे महाराज को तो जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो और रथ में बैठे हुए थे आगे, वो तो ना इतना सुंदर लग रहे थे कि बहुत ही अच्छा। उसके बाद में मुरली प्रभु ने मेरे को दीक्षा दिलाई और मैं धन्य हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। बस मैं थोड़ा बहुत सुंदर गोपाल प्रभु, मुकुंद गोपाल प्रभु बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यस नवीन प्रभु, नारायण प्रभु अनम्यूट कीजिए। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते जय लोकनाथ स्वामी स्वामी की नाम। नमः ओम आचार्य पदाय नीताय कृपा पदाय ने गौर कथा दामोदाय नगर ग्राम ताने। नमः विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाधिष्ठारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तिविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। शिक्षा गुरु जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं बोल रहे महाराज जी से, मैं 2012 में जुड़ा, 2008 में जुड़ा था मैं, तो सबसे पहले मुझे एक सन्यासी का दर्शन गुरु महाराज का ही हुआ था, और मैं भगवान महाराज का कीर्तन देख करके भाव विभोर हो गया था। उस समय मैं सुबह से मैं गया हुआ था, मुझे कुछ मैं कुछ दिन कुछ भी नहीं खाया। रात में महाराज का ऐसा कीर्तन देख के रात को 10:30-11 बजे तक हम मायापुर में हम नाचते रहे कूदते रहे। महाराज का ऐसा कीर्तन देख करके मैंने मन एकदम विचलित हो गया एकदम कि कैसा कीर्तन, ऐसा कीर्तन भी ऐसा होता है क्या। उसके बाद महाराज कभी मैं पंडरपुर गया तो देखा कि महाराज जब सब कोई बैठे हैं तो कोई मैं देख रहा था कि महाराज को सबका ध्यान महाराज की ओर है। महाराज इतना सबके ऊपर आकर्षित करते हैं कि मैंने सब मैंने एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। उसके बाद महाराज को मैंने देखा कि एक महाराज इंडस्ट्रीज की तरह एक डेवलप कर रहे हैं। जैसे उनके गांव में मैं वीडियो देख रहा था कि महाराज ने एक मंदिर बना करके वो वहाँ उस जगह की कीमत बढ़ाई, जो कि सोच लीजिए कोई इंडस्ट्री डालता है तो इस एरिया का डेवलप होता है। महाराज ने एक मैंने मंदिर बना करके उस एरिया का डेवलप किया, और इतना उसका मैंने सुन रहा था मैं कि उस जगह का कीमत जिसका 5,000 था 7,000 था वो 5-5 लाख रुपए कट्टा मैंने ऐसे एरिया का रेट बढ़ गया। आज महाराज ने पंडरपुर में जो 100 करोड़ का मंदिर बनाया वो क्या ये वो आज हम लोग आगे जा करके दिखेगा कि कभी पहले जैसे होता था कोई मंदिर बनता था या महल बनता था तो राजा का नाम होता था। हमारे महाराज राजा की तरह उसको 100 करोड़ का मंदिर बना के डेवलप कर रहे हैं, जो हम आगे भविष्य में देखेंगे कि यही सब मंदिर के कारण और इतना बड़ा डेवलपमेंट के कारण क्या कि उसका नाम होता है, समझ लो क्या है। यस प्रभु। हाँ उसका मंदिर के कारण डेवलप होता है। और महाराज का मैंने बहुत को मैं तो मेरे तो तबीयत थोड़ी खराब थी, मैं महाराज का बहुत कुछ देख नहीं सका, पर महाराज का वीडियो मैंने देखा तो महाराज कैसे नृत्य कर रहे हैं एकदम सुंदर होके, मैंने सबको लाभान्वित करते महाराज कि सबको मैंने आकर्षित करते रहते हैं कि मैंने महाराज का कीर्तन देख करके। और महाराज को मैंने देखा कि महाराज
वहां के मुख्यमंत्री को भी, जो एक सोच लीजिए मेटेरियल वर्ल्ड के लोग होते हैं उनको भी महाराज ने पा, उनका मन 180 का इतना सुंदर उनका आकर्षण रहता है, महाराज का इतना सुंदर आकर्षण कि वो भी 5 बजे सुबह आ गए। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि मुख्यमंत्री जी 5 बजे कैसे आ गए यहाँ पे, जो कि कोई मेटेरियल वर्ल्ड का लोग इस तरह से आता नहीं है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और महाराज ने एक जो वहां पंढरपुर में ये प्रभुपाद का घाट बनाया, तो उस पार से देखने से लगता है कि ये कोई किला है बड़ा सारा, जो बहुत पहले होता था, इतना सुंदर डेवलप, इतना सब कुछ। महाराज सबको सबको मैंने हम लोग को आकर्षित मैंने करते हैं कि कैसे उसका एरिया का डेवलप किया जाए। और उसके बाद महाराज का दिशा निर्देश जो होता है, मैं बैठा था महाराज के साथ में, तो महाराज गाइडलाइंस कर रहे थे कि हम युवाओं को अपने आचरण को बनाना चाहिए जिससे कि हमें प्रेरित, हम सबको प्रेरित कर सके प्रचार करने के लिए। ये भगवान महाराज का दिशा निर्देश मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप मेरे शिक्षा गुरु है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे महाराज का संग दिला करके और मैं महाराज की सेवा करूँ और महाराज के दिशा निर्देश करके प्रचार करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर। यस, जरूर आपको संग महाराज का संग मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, चिंता ना करें। यस, मैं जानता हूँ। बहुत सुंदर सेवा करते हैं प्रभु जी, नारायण प्रभु जो है बहुत सुंदर करते हैं। उनका नाम नारायण होने के कारण लक्ष्मी जी को बांटते रहते हैं सब जगह मंदिरों में, दान में देते रहते हैं लक्ष्मी। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। ओके ओके, नारद मुनि यहाँ पे ऑफरिंग देना चाहता है। यस, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मेरा ऑफरिंग जो है वो इंग्लिश में है, जहां जहां पे आवश्यकता है वहां पे मैं हिंदी में भी बोलूंगा। डियर गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस एट योर लोटस फीट। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू यू, विशिंग यू हैप्पीएस्ट 73rd Vyas Puja. Just as the appearance of Lord is a benediction to the world, similarly, the appearance of a pure devotee is also a benediction. Although the pure devotee of the Lord is eternally dependent on Krishna's divine will, still he is independent to appear whenever and wherever he wants to, because the mercy of Krishna flows through a pure devotee, and it is they who are really qualified to give Krishna. तो यद्यपि भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा भगवान पर निर्भर रहते हैं, फिर भी एक दृष्टिकोण से वे स्वतंत्र हैं जहाँ कहीं पे भी अवतार लेना चाहते हैं वहां पे, क्योंकि भक्ति जो है या कृपा जो है भगवान की, वो भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही जीवों तक आती है। यू आर दैट सेम पर्सनैलिटी हु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हरी, बिकॉज ओनली ही इज कॉम्पिटेंट टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ। आप स्वयं भगवान से अभिन्न हो, क्योंकि भगवान के गुणगान भगवान से अधिक कौन गा सकता है। सो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सभी शास्त्रों का ऐसा ही कहना है कि गुरु जो है वो साक्षात हरि के ही समान है। जो गुरु और कृष्ण के अभेद को नहीं देखता, या जो गुरु और कृष्ण के बीच में भेद को देखता है, भगवान उसको महामाया के क्षेत्र में डालते हैं उसको सुधारने के लिए। जिनका भाग्य उदय हुआ है उन्हीं को दिखाई देता है कि कैसे गुरु जो है वो कृष्ण के समान ही है। शास्त्र में अन्यत्र पाया गया है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्क अधुनोदित। तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि जब भगवान अपने धाम चले गए तो भगवान के तुल्य ही उनका ग्रंथ भी जो है उसका अवतार हुआ, तो इसके विषय में ये कहा गया है। तो अभी प्रश्न उठता है कि यद्यपि श्रीमद् भागवत और भगवान जो एक ही है, तो इसके श्रीमद् भागवत का प्रचार करेगा कौन?
तो हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत ज्ञानी लोग हैं और बड़े बड़े टीकाकार भी है भागवत के, किंतु वो भागवत के तात्पर्यों को अच्छे से नहीं समझा सकते। इसलिए भगवान, क्योंकि भागवत भगवान स्वयं है, तो भगवान स्वयं अवतार ही लेते हैं गुरु के रूप में। जैसे एक सूर्य की किरण जो है वो कॉम्पिटेंट है जगत को प्रकाशित करने के लिए, वैसे भगवान के, भगवान रूपी सूर्य के कई अनेक किरणें होते हैं, तो वैसे गुरु जो है एक किरण है और वो भागवत को इल्यूमिनेट करते हैं, वो प्रकाशित करते हैं। उस भागवत में संकीर्तन के विषय में चर्चा हुई है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यजनी संकीर्तन प्राय यजंती सुमेदशा। तो वो भागवत कहता है कि जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को संकीर्तन के माध्यम से भजते हैं, यजंती ही सुमे दशा, तो वो यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ये संकीर्तन जो है ये अन्य युगों में प्राप्त नहीं होता, तो ये कलयुग जो है वो सबसे महान है, क्योंकि सबसे दयालु अवतार चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं और उनके सेनापति भक्त प्रभुपाद जी अवतार लिए हैं, उनके शिष्य जो संकीर्तन आचार्य है परम पूजनीय श्रील गुरुदेव लोकनाथ स्वामी महाराज भी अवतार लिए, और सबसे इजी प्रोसेस जो है संकीर्तन उसका प्रचार हो रहा है। तो ये कोई भी युग में, ये चारों चार जो चीजें ये कोई भी युग में पॉसिबल नहीं है, केवल कलयुग में ही प्राप्त होते हैं। तो इस जगत ने जो है वो कोई आपसे बड़ा जो संकीर्तन आचार्य है वो देखा नहीं है, क्योंकि महाप्रभु की जो कंडीशन है, त्रिनादपि सुनिचेना तरुरी बसहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी, इस कंडीशन को आपसे ज्यादा अधिक कोई फुलफिल कर नहीं सकता। आपसे ज्यादा अगर इस श्लोक को हम पढ़ेंगे तो आपके अतिरिक्त कोई किसी और का चित्र मन में आए ये संभव नहीं है। और आपके और संकीर्तन के बीच में एकता इतनी है कि अगर कोई कहे लोकनाथ स्वामी, अगर ऐसा नाम मिले तो सबसे पहले हमारे हृदय में या हमारे मन में अगर कोई इमेज आता है तो वो आप कीर्तन करते हुए दिखते हैं, और अगर कोई कीर्तन कहता है तो सबसे पहले लोकनाथ स्वामी दिखते हैं। तो एक ऐसे विशेष व्यक्ति है आप, जिसको भगवान के नाम ने अपने साथ इतना जोड़ लिया है कि किसी एक का भी नाम लेना दूसरे को दर्शाता है, इतना एकता है दोनों के बीच में। इतना ही नहीं, लेकिन आपने सभी इस्कॉन के डिवोटीज को भी जो है फेस्टिवल्स दिए हैं, ठीक है। हमारे महाराज जो है वो केवल कीर्तन के लिए फेमस नहीं है लेकिन फेस्टिवल्स के लिए भी फेमस है, उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है फेस्टिवल्स। तो कौन कौन से फेस्टिवल्स दिए हैं, तो आपने जो है 1996 में श्रील प्रभुपाद सेंटिनियल के आप सेंटिनियल मिनिस्टर बने थे, जिसमें कई महान कार्य आपने पॉसिबल किए। तो 1996 में 100 जो श्रील प्रभुपाद सेंटिनियल है वो आपने दिया हमें। फिर इस्कॉन 50 जो इस्कॉन के 50 वर्ष पूर्ण हुए तो वो भी आप ही ने सेलिब्रेट करवाए, आप ही ने ये सभी आइडियाज प्रपोज किए थे। श्रील प्रभुपाद जी के 125वें सालगिरह का भी जो दायित्व है वो आप ही का था, आप ही ने इसको रखा था। और होली नेम वीक जो हम विश्व हरिनाम सप्ताह मनाते हैं ये भी आप ही ने दिया। पदयात्रा आपने दी है, पूरे विश्व भर में आपने 108 से अधिक देशों में पदयात्रा प्रारंभ करवाई। ब्रज मंडल परिक्रमा, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, जगन्नाथपुरी परिक्रमा, तो ऐसे बहुत सारे जो त्योहार है इस्कॉन के भक्तों को आपने ही दिए। तो इसके विषय में एक कथन याद आता है, पद्म पुराण में नारद मुनि जी को भक्ति देवी कहती है कि आप कलयुग में कैसे प्रचार करेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं सर्व धर्मान तिरस्कृत्य महोत्सवान पुरस्कृत्य, कि मैं सभी धर्मों का त्याग करवा के महोत्सव का प्रारंभ करूंगा, वो महोत्सव जिससे हरि के गुणगान बढ़े। तो इसमें कोई संदेह है कि हमारे गुरुदेव नारद मुनि नहीं है, वो स्वयं नारद मुनि है, क्योंकि इस्कॉन जो है ये पूरे विश्व भर में फैलेगा ही और फैल चुका है, और इस्कॉन में ऑलरेडी इतने सारे फेस्टिवल्स महाराज ने दिए हैं। सो ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम नारद मुनि, इज एक्चुअली नारद मुनि इस प्रकार से। और दूसरा ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो पूरे भारत भर में भ्रमण किए अपने चरणों के माध्यम से, लेकिन मुझे लगता है कि आपके चरण जो है वो महाप्रभु से ज्यादा दयालु है, क्योंकि आपने पदयात्रा जो है वो सब जगह फैलाया है, सारे विश्व भर में फैलाया है। और इतना ही नहीं, आपके
इन दो चरणों पे आपके जो सारे सीनियर डिसाइपल्स है वो ध्यान करते हैं, और वो भी अपने अपने शक्ति के माध्यम से अनेक स्थानों पर पदयात्रा को फैला रहे हैं और हमें भी एंगेज कर रहे हैं। तो आपके चरणों की महिमा इतनी है कि वो केवल दो चरणों पर ध्यान करने से पूरे विश्व में पदयात्रा फैल रहे हैं। तो पूरे देह पर और पूरे शरीर पर ध्यान करने से क्या क्या नहीं हो सकता, भक्ति के कितने अंग और भी फैल सकते हैं। पिछले साल आपने कार्तिक में मुझे ब्राह्मण दीक्षा दिया था, तो मैं नहीं जानता कि इसके योग्य में कैसे बना, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम में अभी भी हृदय में बहुत सारे दोष है, पाप है, फिर भी आपने ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया और आपने ब्राह्मण दीक्षा दी। तो उस समय याद है कि रूम में कम से कम 35-40 डिवोटीज बैठे थे, भक्त बैठे थे, और आप सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। फिर भी जब मेरा समय आया आशीर्वाद लेने का, तो आपने बहुत जोर से मेरे पीठ पे मारा। ऐसा आपने किसी को नहीं किया था, और उसकी ध्वनि जो है पूरे रूम में फैल गई थी। तो उसको मैंने ऐसे कोई अहंकार से नहीं लिया, लेकिन एक दृष्टिकोण ऐसा था कि महाराज सभी में से कुछ विशेष आशा रखते हैं, तो हमारी कुछ विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो इस सिद्धांत से मैंने उसको लिया था। और अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा कि हर गायत्री में मेरा बस चिंतन यही होता है कि आप कीर्तन करो और मैं मृदंग बजाऊं। मेरा तो नित्य सेवा यही है। आपने व्यास पूजा में भी अपने स्वयं के व्यास पूजा में भी कहा था कि मेरा नित्य स्वरूप जो है कीर्तन करना है। तो फिर आपके व्यास पूजा के दिन मैं भी ये कहता हूँ कि आपके कीर्तन में हमेशा मृदंग बजाना, यही मेरा नित्य स्वरूप है। और मेरा चिंतन भी हमेशा गायत्री के समय यही रहता है, मैं हमेशा यही करता हूँ। मेरी बस यही इच्छा है कि भगवान आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि आप हमेशा कीर्तन करते रहो, मैं हमेशा मृदंग बजाते रहो, बस यही हम दोनों की हमेशा जोड़ी बनी रहे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर नारद मुनि महाराज, नारद मुनि है या आप महाराज के दास है, तो नारद मुनि दास है आप। बहुत सुंदर ऑफरिंग था। यस, इट वाज वेरी टचिंग ऑफरिंग, वेरी गुड। ओके, हम यहाँ पे अभी 6:06 से भी ज्यादा समय हो गया, तो कल हम गुरुवार तक जारी रखेंगे इसे। कल जो भी बोलना चाहते हैं तो कृपा कर थोड़ा हाथ उठाइए, हाँ, तो फिर हम समझ सके कि किसको बोलना है किसको नहीं। ठीक है, ओके। बिंदु माता जी, आप तो बोली थी, वापस हाथ उठाए आप। कुछ प्रश्न है किसी, कोई प्रश्न है? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल मेरे सपने में गुरु महाराज जी आए थे। ओ, वेरी गुड। मेरे साथ बहुत अच्छा नृत्य कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। दीनानाथ कल करोगे? हाँ, प्लीज कल सुबह जल्दी ज्वाइन होके। ऐसे जरूरी नहीं कि मतलब मैं बोलूं तभी हाथ उठाए, तो आप हाथ रेस कर रख सकते हैं, हैंड रेस कर रख सकते हैं, ताकि अपने को पता चले कि कौन कौन बोलने वाले हैं। जॉब के समय भी हैंड रेस कर आप रह सकते हो, ठीक है? ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय। परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज आविर्भाव महोत्सव की जाय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।